بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज की हमारी रेसिपी है मज़ेदार सा तला हुआ काली मिर्च का गोश्त। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये रेसिपी मेरी स्टाइल में किस तरह से बनती है। काली मिर्च का तला हुआ गोश्त बनाने के लिए देखिए हम लोग ये कुछ 700 ग्राम के करीब मटन ले लेंगे, जो एकदम बोनलेस पीस लिए हुए मैंने। अगर आप लोग बोन वाले लोग हैं फिर भी चलेगा। देखिए इसमें अब हम लोग 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही में कुछ क्रश की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। नमक ले लेंगे स्वाद के मुताबिक। ये काली मिर्च का तला हुआ गोश्त माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लगता है और कुछ ये डिफरेंट लगता है। जो हम लोग बाकी टिक्का बोटी बनाते हैं वो सब बनाते हैं, उससे ये तला हुआ गोश्त थोड़ा डिफरेंट लगता है। धनिया पुदीना के पत्ते ले लेंगे हम लोग बारीक कटे हुए। 2 चम्मच के करीब दही ले लेंगे। साथ ही में ब्लैक पेपर ले लेंगे 2 चम्मच भर के। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। मसालों को अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया है। साथ ही में हम लोग आधे नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। इस तरह से हम लोग जो मटन में नींबू का ऐड करते हैं तो माशाल्लाह खट्टास से हमारा बूटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हमारा मटन भी जल्दी से टेंडर हो जाता है। देखिए अगर आपके पास वक्त हो तो आप लोग इसे ओवरनाइट भी इस तरह से मैरिनेट करके रखोगे तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, या तो घंटा आधा घंटा भी चलता है। अब अच्छे से हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे फिर से। देखिए गैस पे मैंने एक कुकर रख दिया है जिसके अंदर हम लोग ये मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर लेंगे। इसमें हमें कोई ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो बकरा ईद का मटन होता है वो अपने ही पानी में अच्छे से पक जाता है माशाल्लाह। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब हम लोग कुकर का ढक्कन बंद करके कुछ 2 से 3 विसल ले लेंगे, तब तक हमारा मटन अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि हमारा मटन बोनलेस है इसलिए फटाफट से पक जाएगा। देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका है और जो पानी था इसमें वो भी हमने अच्छे से सुखा लिया है। अब हम लोग इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच भर के तेल गरम कर लिया है, जिसमें हम लोग देखिए 1 चुटकी जीरा ऐड कर देंगे, साबुत अक्खा जीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही में कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ता हमारा अच्छे से तड़केगा, उसके बाद हम लोग मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही में देखिए अदरक के पीस भी ऐड कर देंगे हम लोग, और ये बड़े बड़े पीस में कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। मिर्च तीखी नहीं होती है लेकिन इसका टेस्ट अच्छा आता है। मिर्च और अदरक अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सब मटन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये मटन बॉईल किया तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। सभी मटन हमने ऐड कर दिया है। साथ ही में देखिए थोड़ी सी हम लोग कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे और हरा धनिया और पुदीना के पत्ते। और इसी तरह से हम लोग इसे मिक्स करके अच्छे से 5 से 10 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह इस तरह से काली मिर्च का तला हुआ गोश्त खाने में बहुत ही मज़ा आता है, कुछ डिफरेंट रेसिपी हो जाती है। देखिए दिखने में भी कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। देखिए काली मिर्च का तला हुआ मज़ेदार सा गोश्त रेडी है माशाल्लाह। इसे इस तरह से देखिए नींबू छिड़क के हम खाते तो गजब का टेस्ट आता है माशाल्लाह। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से हमारा मटन पक चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।